कांगड़ा से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांगड़ा दौरा। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता दें, करोड़ों के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उद्घाटन कांगड़ा में करेंगे। शहीद विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा को बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें, करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जाएगा। तो इसके साथ साथ शहीद विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करते हुए नजर आएंगे। तो कांगड़ा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जाना है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। शहीद विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। तो वहीं इसके साथ साथ करोड़ों के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री की ओर से आज किया जाएगा कांगड़ा में। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा दौरे पर हैं आज और करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। शहीद विक्रम बत्रा की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनूप धीमान का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, कांगड़ा दौरे पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी उनके दौरे को लेकर और करोड़ों की सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से आज कांगड़ा में दी जानी है? देखिए, सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री जो है वो 11:30 के आसपास जो है वो यहाँ पहुंचे थे पालमपुर में, और अलग अलग उद्घाटन शिलान्यास का जो कार्यक्रम था वो अभी तक जो है वो चल रहा है। सबसे पहले जो है वो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, तो इस मौके पर जो है वो जो एक प्रतिमा का अनावरण, जो भव्य प्रतिमा है जो जो यहाँ पर लगाई गई है, जो मिनी सेक्रेट है, कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग है पालमपुर की, पालमपुर शहर के बीचों बीच वहां पर जो है वो ये प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। सबसे पहले इसका अनावरण हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पर 2 उद्घाटन और 10 जो है वो शिलान्यास जो है पालमपुर में किए गए। लगभग 40 करोड़ के आसपास जो है वो इनके ऊपर पैसा जो है वो खर्च होगा। उसके साथ जो हॉस्पिटल, जो अस्पताल है पालमपुर का, वहां एक बहुत बड़ा भवन था, लगभग 6 मंजिला भवन है, उसका जो है वो उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री ने ये सारी चीजें जो यहाँ पर की। उसके बाद जो यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग थी, बहुत से जनता जो है पालमपुर की यहाँ पर थी, उनको संबोधित किया मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री ने जो पालमपुर की मुख्य मांगें थी लगभग सभी मांगों को यहाँ पर मान लिया। इस मौके पर जो है वो राज्यसभा सांसद जो है इंदु गोस्वामी वो भी मौजूद थी, साथ के साथ त्रिलोक कपूर जो बूल फेडरेशन के चेयरमैन है और भाजपा के प्रदेश महामंत्री है, ये दोनों लोग भी जो है अभी इनकी भी उपस्थिति में जो है ये सारा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर हुआ। साथ के साथ मैं ये बता दूं कि इसके तुरंत बाद जो है वो विक्रम बत्रा जो परमवीर चक्र विजेता है, उनका जो है वो उनकी प्रतिमा का अनावरण जो है वो पालमपुर के साथ जो है वो प्रगति विक्रम बत्रा मैदान है उसके साथ जो है इस प्रतिमा का जो है वो वहां लगाया गया था, उसका अनावरण जो है वो आज हो गया है। तो ये सारे उद्घाटन शिलान्यास जो है वो पालमपुर में हुए हैं। साथ के साथ पालमपुर के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर अपना एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस नहीं था, जिसको लेकर के कई सालों से मांग चल रही थी, वो मांग जो है वो आज जो है वो मुख्यमंत्री ने पालमपुर पहुंच के पूरी की है। साथ के साथ यहाँ के 7 चचियां हैं नगरी में, उपतहसील खोलने की मांग भी जो है वो उसको भी मुख्यमंत्री मांगे। ये सारी मांगे जो है वो बूल फेडरेशन के चेयरमैन है त्रिलोकपुर, उनकी द्वारा जो की गई थी उनको सभी मांगों को मान लिया गया है। तो मुख्यमंत्री का एक सक्सेसफुल दौरा पालमपुर के लिए माना जाए तो बहुत अच्छा दौरा जो पालमपुर के लिए रहा है। ये सारी चीजें जो है अभी घटित हुई, अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ से जो है वो सीधा चंबा के लिए निकलेंगे, और चंबा में क्योंकि कल जो है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है हिमाचल दिवस का, तो वहां उन्होंने शिरकत करनी है। जी अनूप, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं, 11:30 बजे के आसपास पहुंचे थे कांगड़ा, कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया, संबोधन में क्या कुछ विशेष रहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब भी उनका भाषण शुरू हुआ तो उन्होंने सारी जो हिमाचल प्रदेश की सारी स्कीमें जो अब आज तक के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे थे कि चाहे सड़कों की बात कर ले जाए या कोई भी बात कर ली जाए, हिमाचल प्रदेश में जो है वो
इस दौरान जो है वो हर तरह से डेवलपमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है, चाहे सहारा योजना की बात की जाए, चाहे वृद्धावस्था पेंशन जो होती है वो 60 से ऊपर 60 की उम्र जो की है वो हमारी सरकार ने की है। साथ के साथ के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया, लोगों से अपील की कि हमें एक मौका और दो, क्योंकि हमारे 2.25 साल जो हैं वो मात्र जो है वो कोविड में निकल गए हैं, क्योंकि हमें पूरे 5 साल जो है वो काम करने का मौका नहीं मिला है। तो ये सारी योजनाएं जो है जो पिछले 5 साल 4.5 साल में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वो सारी जो है योजनाएं गिनवाई, साथ के साथ लोगों से अपील जरूर की कि हमें एक मौका और जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिया जाए। जी अनुप, जिस तरह से अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया गया, बड़ी सौगात दी गई है, कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि विक्रम बत्रा जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि शिमला में चौड़ा मैदान में ये भीमराव की इकलौती प्रतिमा है, और उसके बाद ये पालमपुर के मिनी सेक्रेटरिएट में ये प्रतिमा जो है स्थापित की, दूसरी प्रतिमा है, इतनी बड़ी प्रतिमा है जो यहाँ पर स्थापित की गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साथ के साथ क्योंकि पालमपुर में सिविल अस्पताल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है, क्योंकि वार्ड की कमी थी तो उसको लेकर के वो बिल्डिंग काफी दिनों से तैयार खड़ी थी, उसका उद्घाटन नहीं हुआ था तो उसका भी उद्घाटन किया था। उसके साथ क्योंकि जो पानी जल जीवन जल शक्ति विभाग की जो है वो लगभग कोई 12 से 15 स्कीमें ऐसी थी जिनके शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो इस मौके पे किए गए। साथ के साथ क्योंकि जो पालमपुर से बया नगरी जो धर्मशाला को रास्ता जोड़ता है वहां पर एक ब्रिज है, उसका उद्घाटन भी जो है वो आज जो है वो मुख्यमंत्री ने किया है। तो ये सारे लगभग 10 शिलान्यास थे, 2 उद्घाटन थे, ये सारे जो है वो लगभग 40 करोड़ की लागत से ये सारी चीजें जो होने वाली हैं। तो ये उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा आज जो वो यहाँ पर जो है पालमपुर में किए गए हैं। जी बिल्कुल अनुप, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी सौगात दी है कांगड़ा वासियों को, अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शुक्रिया अनुप इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा दौरे पर और करीबन 40 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी ओर से किया गया, विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया, तो साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भी उन्होंने अनावरण किया।